जय माता की। कैसे आप लोग तेरी महिमा ना देखिए, जवारा के दर्शन करा रहे हैं माता रानी को। ये देखिए माँ के दर्शन सकी, कितना अच्छा लग रहा है, जवारा निकले हुए हैं और साथ साथ महामाया मैया विराजमान हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखिए कितने लंबे लंबे, जब कलश से ऊपर जवारा कलश से ऊपर अगर जवारा निकल जाए तो माता का प्रत्यक्ष दर्शन माता के होते हैं। तो आप लोग भी करिए माता के दर्शन, हम तो कर ही रहे हैं। और देखिए कितना सुंदर सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है दर्शन करते हुए। और माता के सातवां दिन है और माँ के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तो आज सबके जगत जननी, वैसे आज तो घर में पधारने वाली है, वो तो मैंने कई दिन पहले आप लोगों को बता दिया था। तो माँ जगत जननी देखिए अखंड ज्योत भी जल रही है और सब बहुत ही अच्छा लग रहा है। तेरी महिमा कैसे पहचानूं, तेरी शक्ति को जिसे ने जाना उसको माँ तूने पाहिनियाँ। तेरी शक्ति को जिसे ने जाना, तेरी महिमा तेरी पाहिनियाँ। तू आदि शक्ति माँ जगे जननी, हे जगे जननी माँ जगे जननी। कैसे मैं चढ़ाऊँ तुझे भेटा, कैसे मैं तजाऊँ तुझे भेटा। मेरी हाथ नहीं माँ चढ़ाने का भी, कैसे मैं चढ़ाऊँ तुझे भेटा। दे दो शक्ति माँ जगे जननी, तुझे को मैं चढ़ा दूँ माँ भेटा। दे दो शक्ति माँ जगे जननी, तुझे को मैं चढ़ा दूँ माँ भेटा। जो भूले हुई हो हे मेरी माँ, जो भूले हुई हो हे मेरी माँ, तू क्षमा कर दो हे मेरी माँ। याद शक्ति जगी जननी माँ, याद शक्ति जगी जननी माँ। तू है महामाया हे मेरी माँ, तू आदि शक्ति जगी जननी माँ। तू है महामाया हे मेरी माँ, दर्शन कर लो महा मैया के, दर्शन कर लो महा मैया के। माँ तू यहाँ आके पधारी है, जग जननी माँ जग जननी माँ जग जननी माँ जग जननी माँ जग कल्याणी माँ जग कल्याणी माँ दुख हरिणी माँ जग का पालन करने वाली। आदि शक्ति माँ हे जग जननी, आदि शक्ति माँ हे जग जननी। हे महामाया हे महामाया, हे महामाया हे महामाया, हे महामाया हे महामाया। कुल कुज की माँ हे महामाया, कुल कुज की माँ हे महामाया। आदि शक्ति माँ जग जननी माँ, दे दो दरसी माँ दे दो दरसी माँ, दे दो दरसी माँ दे दो दरसी माँ। हे जग जननी हे महामाया, दे दी दरसी माँ दे दी दरसी माँ, दे दी दरसी माँ दे दी दरसी माँ। हे जग जननी हे महामाया, हे जग जननी हे महामाया। आदि शक्ति जगत जननी माता की जय, महामाया मैया की जय, जगत जननी माता की जय। जानती हूँ सब, आज सबके मन की भावना। धरती बहुत कचरा भरा,
कोई प्रेम से नहीं चाहता, अपने मन का भाव पहले साफ करिए तब पूजा करिए। टीका लगाई है ना कुछ शक्ति मिले तो जग जननी निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी सिका भोग लगा जाना। फुर्सति मिले तो जग जननी निर्धन के घर भी आ जाना। और हम आपसे किससे मिला रहे हैं, तो चलिए आज आप भैरव बाबा के पहले दर्शन करिए। माता के दरबार पे भैरव बाबा खड़े हैं और जी देखिए ये हैं भैरव बाबा, हाथ इनके बंधे हुए भैरव बाबा के, क्योंकि दो माताएं आज यहाँ पधार रही हैं, जो हैं आज हम नाम बता रहे हैं वो हैं पूर्णागिरी और कामाख्या देवी। तो दो माताओं के आगमन के लिए पहले से ही बाबा भैरव बाबा आ गए हैं, और जब माताएं आ जाएंगी तब भैरव बाबा के हाथ खुल जाएंगे। तो चलिए हम मिलते हैं, आपको भी माताओं के, दो माताओं के दर्शन कराते हैं, और वो काफी समय बाद आ रही हैं, तो वो नवरात्र में ही आई थी। अब पूरा यहाँ तो मैंने आप लोगों से बताया ही था कि पहले 9 महीना यही उनका आगमन था, उनकी जब पेट में गर्भ में थी तो पूरा 9 महीने उनका स्वागत यहीं पे हुआ है, और 1 साल बाद माता जी फिर पधार रहे। और देखिए नवरात्र में ही आई थी, नवरात्र में ही वो पेट के अंदर भी आई थी, और 1 साल बाद वो नवरात्र में ही फिर इस घर में पधार रही, अपने भवन में आ रही है माता जी। तो चलिए अब हम दर्शन की तैयारी करते हैं, आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। और भैरव बाबा तो खड़े ही हैं, और कितने प्यारे प्यारे से भैरव बाबा लग रहे हैं, और भैरव बाबा मुस्कुरा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं। देखिए इस्माइल भैरव बाबा की, क्योंकि माता के दर्शन होना है ना, माता के दर्शन तो भैरव बाबा को वैसे भी हो चुके हैं, लेकिन छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी माताएं जी आ रही ना, इसलिए भैरव बाबा बहुत ही खुश है। तो अब मिलते हैं आपसे। घर को फूलों से मेरी मैया को आना है, सजा दो घर को गुलशन से मेरी मैया को आना है, मेरी मैया को आना है, मेरी मैया को आना है, सजा सजा लो गुलियर गुलशन से
ये देखिए माताओं का आगमन हो गया और पूजा होने जा रही है। ये देवी माता बैठ गई, पूर्णागिरी मैया कामाख्या देवी, वो तो मैंने आप लोगों से बताया ही था। और मनु और राम जी भैया सब लोग बैठे हैं, और अभी मीना भी आ रही हैं, सासू माँ भी हैं और बिट्टू भी हैं। सब लोग माताओं के, और आप लोग भी माताओं के दर्शन करिए। दो दो माताएं पधारी हुई हैं और कैसे बैठे देख रही हैं, इतना सब भीड़ भाड़ देख करके तो बहुत ही खुश हो रही हैं। और मैं वीडियो की एडिटिंग कहाँ पर कर रही हूँ आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी मैं अतर्रा पहुँची नहीं हूँ और रास्ते में मैं गाड़ी में कर रही हूँ। अगर शोर शराबा ये सब सुनाई पड़े तो ज़्यादा आप लोग इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था ना, यही माताओं के चक्कर में रिद्धि सिद्धि के काफ़ी ये लोग रो भी रही थी, तो कई जगह हमको गाड़ी रोक करके और इनका मतलब देख रेख करना पड़ा, क्योंकि इनको रोते हुए भी नहीं ले जा सकते थे। और मैंने सोचा वहाँ जाने के बाद मैं जागरण में लग जाऊंगी तो आज के दर्शन आपको नहीं करा पाऊंगी माता जी के, इसीलिए मैं गाड़ी में ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और आप तक पहुँचा रही हूँ। और बताइए, वहाँ से मैं 1:30 बजे की चली हूँ और जीभ लड़खड़ा रही है। अभी तक हमने पानी चाय, क्योंकि आप लोग तो जानते हो हम रास्ते में कहीं भी कुछ भी नहीं लेते हैं व्रत में, तो वैसे ही हम जा रहे हैं। और रिद्धि सिद्धि कितनी खुश हैं कि हमारी पूजा हो रही है, पूजा की तैयारी इनकी शुरू हो गई। और ये मीना प्रसाद भी भोग लगाने के लिए, इनके लिए प्रसाद भी आ गया। और बहुत ही शोर मचाए पड़ी हुई है अभी भी यहाँ भी। और ये देखिए सब जल फूल और घंटी भी बज रही है और बहुत अच्छे से पूजा हो रही है। आप लोग देखिए कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए, ये शोर शराबा आप लोग भी थोड़ा सा सुनिए इन लोगों का भोग लगाना। Yeah.
छोटी सी मिली है सफर में, रिद्धि कैसे जा रही है देखिए। और रिद्धि मखाना खा रही है, माता जी मखाना का फलाहार करते हुए जा रही है और साड़ी को चुन्नी बना करके ओढ़ भी रही है। देखिए रिद्धि हाय करो, हेलो जय माता की बोलो। रिद्धि रिद्धु है और सिद्धू पीछे है, वो सिद्धू बुबू पी रही है, कुछ बोल रही है। रिद्धु क्या बोल रहे है बोलो। माता जी की पूजा अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं, जय माता की।